हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुजी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। नॉट प्रॉब्ली द एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन टीचिंग का मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको लगता है आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल का टीचिंग का फॉर्मेट कैसा था? 20 साल पहले क्लासरूम का डेकोरम जैसा था, आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। वही सेम बेंच, वही टेबल, वही ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड एंड सेम टीचिंग मेथड। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि हमको चाहिए स्किल बेस्ड लर्निंग। क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हम जब किसी सेक्टर में काम करने जाते हैं या काम कर रहे होते हैं या खुद का कुछ डेवलप करने का सोचते हैं, तब चाहिए होता है स्किल्स, एंड जो कि हमारे वहाँ पे मिसिंग्स होते हैं। एंड जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसका सिलेबस तो अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन टीचिंग का मेथड अपग्रेड नहीं होता है। गवर्नमेंट से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एजुकेशन सिस्टम को और भी एनहांस करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करने के लिए, लेकिन वो कहां तक पहुंचा है और कितना वर्क कर रहा है आप सभी को पता है। हर बच्चे का दिमाग सही नहीं, सब इक्वल नहीं होता है। सबका लर्निंग का मेथड डिफरेंट होता है। जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल में स्टूडेंट एंड टीचर का जो रेशियो होता है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हर स्टूडेंट्स का दिमाग सेम नहीं होता है, सबका दिमाग इक्वली कैप्चर नहीं कर पाता है सेम चीज़ों को, सबका डिफरेंट अप्रोच चाहिए टीचिंग का। फियर रहता है एग्जामिनेशंस का, पढ़ाई करते हैं एग्जामिनेशंस का फियर रहता है। तो हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के फियर से कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि टेक्नोलॉजी के हर एक कोने में अभी दुनिया का टेक्नोलॉजी पहुँच चुका है। बच्चा क्लास में तो जाता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब एग्जाम आता है वो प्रीफर करता है यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? अगर उसके क्लास में सही से समझ में आ जाता तो यूट्यूब का रिक्वायरमेंट ही क्यों आता? बच्चा स्कूल में फीस देके पढ़ाई करता है प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को दिया जाता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है? पेरेंट्स फिर से उनको ट्यूशन देना होता है। विदाउट ट्यूशन बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता है। वो चाहे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी का बात तो छोड़ ही दो, हम लोग का ट्रेडिशनल एजुकेशन का ही बात करेंगे, तो उसी सेम चीज़ को उनको फिर से पढ़ने के लिए या समझने के लिए ट्यूशन लेना पड़ता है। अगर क्लास में सही तरीके से पढ़ाया जाता एंड स्टूडेंट्स को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाता तो ट्यूशन का रिक्वायरमेंट ही क्यों है? अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाने का तरीका गलत है या पढ़ाना सही से आ नहीं रहा है, चीज़ें इतना ऐसा है कि पहले स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी कुछ अलग था, अब स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी कुछ अलग है। मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के एक्सेस है, वो चीज़ें को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और चीज़ों को एक इजी तरीके से, इंटरेस्टिंग वे से सीखना चाहते हैं। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी, मेटावर्स है, 3D डिज़ाइन है, एनिमेशन है, ये सब को हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हमारा जो टीचिंग का मेथड है वो बहुत ही एनहांस हो सकता है। हम जो चीज़ उनको वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अगर हम लोग एनिमेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, अगर मेटावर्स वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनको उसी एक्सपीरियंस करवा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और चीज़ें ऐसा है कि जो स्किल बेस्ड लर्निंग है उसका सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, हर जगह पे स्किल का रिक्वायरमेंट्स होता है एंड स्टूडेंट्स वो स्किल्स में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इनका फोकस रहता है मार्क्स स्कोर करने का। अब मार्क्स के पीछे भागते हैं, स्किल्स पीछे छूट जाता है, लेकिन मार्क्स गेन करने के बाद जब प्रोफेशन में जाते हैं, प्रोफेशनल सेक्टर में जाते हैं, तब उनको चाहिए होता है स्किल्स। मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम लोग कोई भी एक स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे और उस स्किल में हम लोग मास्टर कर लेंगे, ऐसा मास्टर करना है कि हमको कोई बीट ना कर सके, तेन जाके हम लोग स्टैंड आउट कर पाएंगे। अब इतना रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड है, सबको चाहिए इनोवेशन, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे स्किल्स सब में रहना चाहिए। इनोवेशन नहीं होगा आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पुराने ज़माने में जब हमको पढ़ाया जाता था तो उसमें भी हम लोगों का स्किल बेस्ड लर्निंग रहता था, पढ़ाई के साथ साथ हमको डेली वर्क्स,
खेती कैसे करना है, पोछा कैसे लगाना है, सांप कैसे करना है, कोई भी चीज़ों को कैसे बनाना है, शिकार कैसे करना है, ये सारा चीज़ों का भी हमको सिखाया जाता था, क्योंकि तब की सिचुएशन में ये सारे स्किल्स का रिक्वायरमेंट्स था। अभी रिक्वायरमेंट्स इन स्किल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन जो मेथड है ये सारा चीज़ को प्रोवाइड ही नहीं करवाता है। हम तो बस ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद पढ़ाई जैसे ख़त्म हो गया, टेंथ ख़त्म हो गया, इलेवेंथ ट्वेल्थ कर लिए, जेई नीट का प्रिपरेशन कर लिए, उसके बाद कोई बीटेक कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, लेकिन एट द एंड हम जो जॉब करने जाते हैं हमको फ्री सर्टिफिकेशन, हमको सर्टिफिकेशन कोर्स करना होता है, या स्किल्स लर्न करने के लिए 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, स्किल्स सीखने के लिए हमको यूट्यूब से कोई स्किल्स हम लोग सीख लेते हैं, देन जाके उसी स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिए, उसके बाद अब जब 15 साल पढ़े, 17 साल पढ़े, उसके बाद फिर से अगर आपको एक 6 महीने का कोर्स की वजह से आपको जॉब मिल रहा है या उस स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए, देन 17 साल का क्या काम। ट्रेडिशनल एजुकेशन का भी कुछ मोटो है, उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ डिसिप्लिन हम लोग गेन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन सारे चीज़ों के साथ साथ हमको कुछ स्किल्स के ऊपर भी काम करना चाहिए। अब दुनिया इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है, दुनिया के किसी कोने में लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, इनोवेशंस यूज़ कर रहे हैं, नए नए चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह एक ऐसा कोना भी है जहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा है, इनोवेशन का मतलब समझ में नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को गैप को हमको ख़त्म करना होगा, हमको टीचिंग मेथड को और एनहांस करना होगा, हमको जितने सारे टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके हम लोग और भी एनहांस कर सकते हैं टीचिंग मेथड को। बहुत सारे स्किल्स है अभी रिक्वायरमेंट्स, अभी AI का ट्रेंड चल रहा है, AI क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर सीखना चाहिए, 3D डिज़ाइन प्रिंटिंग कैसे होता है उसके ऊपर सीखना चाहिए। स्कूल में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब्स तो होता है, लेकिन इनोवेशन लैब नहीं होता है। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब में वही नेचर के लॉज को हम लोग कैसे होता है उसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट तो तब आएगा जब हम लोग स्किल्स को सीख के कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, इनोवेशन कर पाएंगे। स्कूल में चाहिए इनोवेशन लैब, जहाँ पे बच्चा बैठ के अपना दिमाग लगाए, कुछ सोचे, कुछ नया करे, ताकि उसको फ्यूचर में जॉब के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। हमारा मेथड सही सिखाता है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, अच्छा पढ़ाई करोगे अच्छा नौकरी मिलेगा, लेकिन क्यों? अगर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा चीज़ों को समझेंगे, स्किल्स गेन करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, नए चीज़ों के बारे में सोचेंगे, दुनिया में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते उसके बारे में नॉलेज आएगा, एंड किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, खुद का बिल्ड कर सकते हैं, इनोवेशन स्टूडेंट्स को ग्राउंड से लेकर टॉप तक पहुंचा सकता है। लेकिन हम लोग तो अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन में एक क्लटर के जैसे फंस चुके हैं सब, अब इससे बाहर कैसे निकालना है समझ में नहीं आता है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चा टेंथ तक पढ़ाई करता है, टेंथ में उसको लगता है कि टेंथ का मार्क आ जाएगा तो सही सब सही हो जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में रहता है, टेंथ के बाद इलेवन ट्वेल्थ में और ज़्यादा उसमें अच्छा मार्क ले आता है, फिर और टेंशन आ जाता है कि जेई नेट का एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करूँगा, अगर नहीं हुआ तो क्या BSc करना पड़ेगा, BSc करके क्या करूँगा। चलो ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद उसके बाद दिखा देते कि ऑप्शन ही नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, स्किल्स नहीं, अगर स्किल्स होगा तभी जाके सर्वाइव कर पाएगा, स्किल्स के लिए क्या करेगा, वो 6 महीने का कोर्स करेगा, सर्टिफिकेशंस गेन करेगा, फिर जाके उसको मिलेगा। तो मेरा अभी सबको बस यही बोलना है कि हम लोग अभी अपना जो एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ एटलीस्ट बच्चों को जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इनके बारे में भी अवेयरनेस करें, ताकि वो लोग इनके बारे में सोच सके, समझ सके, और उनको टीचिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसे प्रोवाइड करे जिनसे उनको बर्डन ना महसूस हो, वो एक इंटरेक्टिव वे से चीज़ों को समझ सके, चीज़ें कैसे हो रहा है, बस उसको एग्ज़ाम्स के लिए ना पढ़े। मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप लोग बस एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करके मत पढ़ो, जब भी आप क्लास में बैठते हो तो ये फोकस करके पढ़ो कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करें, एग्ज़ाम्स में मार्क आ जाएगा, जो चीज़ें पढ़ के एग्ज़ाम दिए रहते हैं 6 महीने बाद कुछ ही याद नहीं रहता है। उसी सेम चीज़ को अगर कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, कुछ स्किल्स गेन करेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके अगर सीखेंगे तो चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको
आपके स्किल्स के लिए, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आपको पे किया जाएगा। आपको क्या कितना पता है उससे कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर इतना करता है कि आपको जो चीज़ें पता है उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। आपके पास आइडिया है, आइडिया से कुछ नहीं होता, आइडिया से क्या एग्जीक्यूशन कैसे कर पा रहे हो उससे मैटर होता है। इन सारे को चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे तो हमारा एजुकेशन और भी बेटर हो सकता है और हम लोग एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। द वर्ल्ड नीड्स इनोवेशन, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक एक बच्चा नया नया इनोवेटिव आइडिया के सोच के उसके ऊपर काम कर रहा है, गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट्स है उसके ऊपर, लेकिन उतना भी स्टूडेंट्स के पास पहुंच नहीं पा रहे कि ये सारा चीज़ें प्रोवाइड की जा रहा है। अगर इंडिया को हम लोग टॉप में पहुंचाना चाहते हैं, हर स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना पड़ेगा, उसको यूज़ करके कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू इनोवेशंस करेंगे तभी जाके हम लोग स्टैंड आउट कर पाएंगे। नहीं तो दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, इसमें अगर हम लोग जो चीज़ें नए नए चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग नए स्किल्स के बारे में सीखिए, उसको गेन करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। नॉट ओनली सीखिए कि उसको सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो तभी जाके आएगा। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को कैसे इनोवेटिव तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करेंगे तो एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपना गुरुजी पे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर।